इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आईपीसी की धारा 299 और 300 में अंतर में। अब एक महत्वपूर्ण केस है रेक बनाम गोविंदा, उसमें कहा क्या गया है, एक आदमी अपनी पत्नी को सीने पे लात रख के मुक्के मुक्के चार पांच मुंह में मारता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मामले में जस्टिस महोदय मेलविज ने क्या कहा कि ना तो उसका मृत्युकृत करने का आशय था, ना ही जो क्षति की गई वो मृत्युकृत करने के लिए पर्याप्त थी। इसे हत्या नहीं माना, आपराधिक मानो वध माना। अच्छा, 299 में आपराधिक मानो वध के बारे में दिया है, बाकी जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। और 300 के अपवाद 5 जो दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उनमें से कोई मामला आएगा तो उसे दंड 304 के तहत मिलेगा। अब 304 में क्या दिया गया है, 304 का पैरा 1, पैरा 2 लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा। पैरा 1 में लिखा गया है जो कोई आपराधिक मानवता करेगा, जो हत्या की कोर्ट में नहीं आता है, वह शारीरिक क्षति जिसे मृत्यु करित हुई है या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु संभव है, आशय के सहित की गई है। अब यहाँ पर आशय के सहित, पैरा 1 में कोडिंग कर लीजिए विथ इंटेंशन, पैरा 2 में विथआउट इंटेंशन। विथ इंटेंशन का मतलब है कि एक आदमी ने 299 के तहत लड़ाई हुई रही है तो लाठी से 10-15 बार कर दिए सर पे। तो जब आप सर पे मार रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि इतनी लाठी मारने से मर जाता है, मर जाएगा आदमी सर पे मारेगा तो। यदि आपका मारने का अवसर नहीं होता वहाँ पे तो आप पैर में मारते। तो यहाँ पे दंड कितना मिलेगा, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी की भांति कारावास जिसमें 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष और जुर्माना। यही चीज 304 के पैरा 2 में आई है। पैरा 2 क्या कहती है कि यह ज्ञान रहे कि आपने किसी व्यक्ति की मृत्यु कृत की। ज्ञान का मतलब यह क्या है, लेकिन आशय नहीं है। लाठी उठाई, लड़ाई हो रही थी, एक सर पे मार दी, एक ही मारी और मर गया। तो मारना नहीं चाहते थे लेकिन सर पे एक ही लगी और मर गया। तो यह क्या माना गया कि आपने मारा है लेकिन आशय नहीं था। ये पहले पैराग्राफ में क्या है, ज्यादा मार दी। तो यहां पर क्या दंड है, मतलब 304 के पैरा 2 में दंड क्या दिया गया है, दंड यह वर्णित है कि जो दोनों में से किसी की बात कारावास, 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना। ध्यान रखिएगा, यदि कोई आपराधिक मानवता के अंतर्गत 300 के पैरा 2 में आएगा तो उसे सजा कितनी है, 10 वर्ष या जुर्माना, अर्थात वो जुर्माने से भी छूट सकता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, 304 ए में क्या है, उपेक्षा और उतावलापन। यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा उतावलापन से किसी की मृत्यु करित करता है तो वह 2 वर्ष की सजा का भागी होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।